गुड मॉर्निंग। आज की मेरी अपॉइंटमेंट है, हमें आज वैक्सीनेशन की स्लॉट मिल गई है एंड अभी टाइम हो रहा है 8 बजे। हमारा स्लॉट 9 से 12 है एंड वी आर गोइंग टू गो गेट दैट वैक्सीनेशन, कोवैक्सीन। आई थॉट व्हाई नॉट ब्लॉग इट, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या कितना ऑर्गेनाइज है, क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या है क्या नहीं। सो मैं पूरा प्रोसेस ब्लॉग करूँगी एंड लेट्स सी कोवैक्सीन मिलती है या कौन सी मिलती है, बिकॉज कोविन की साइट पे लिखा हुआ आ रहा है, कोविशील्ड लिखा आ रहा है अकाउंट डिटेल्स वाले सेक्शन में, जबकि सेंटर पे कोवैक्सीन मिलनी थी। सो मैंने कॉल करके पता किया है, अभी तक तो दे से कि कोवैक्सीन था सेंटर पे, तो कोवैक्सीन ही मिलेगी। नाउ लेट्स सी, आई एम जस्ट होपिंग कि कुछ फीवर वगैरह ना आए, बिकॉज 2 दिन से मेरे पास बहुत ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा आया हुआ है एंड अभी 2-4 दिन का और पेंडिंग पड़ा हुआ है काम, बैकलॉग आया हुआ है एंड आई डोंट वॉन्ट कि फीवर आ जाए एंड मैं वो काम ना कर सकूँ। सो लेट्स सी, लेट मी गेट रेडी एंड देन आई विल सी यू। गाइस, सो वी आर बैक। वैक्सीनेशन हो गई है मेरी लेफ्ट आर्म में एंड वहाँ पे उन्होंने अलाउ नहीं किया था ब्लॉग करने के लिए, सो वहाँ की क्लिपिंग मेरे पास ज़्यादा नहीं है। सो आई वांट टू टेल यू अबाउट द प्रोसेस। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो एक लाइन थी, क्यू थी बाहर, बट एवरी वन वॉज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। आई थिंक हर 6 फीट के डिस्टेंस पे ही सब खड़े हुए थे, वहाँ पे मार्किंग्स की हुई थी एंड एक टाइम पे 5 लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था, 5-5 करके लोग अंदर जा रहे थे हर लाइन में से एंड मतलब हमारा काफ़ी जल्दी नंबर आ गया, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। इट वाज क्विट सिस्टमैटिक, तुमको अपनी लाइन में ही चलते जाना है आगे आगे एंड वो तुमसे तुम्हारा रेफरेंस आईडी मांगेंगे, जो आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड तुमने अपना एंटर किया था, जिससे तुमने रजिस्टर किया था कोविन की साइट पर, वो तुम्हें दिखाना है। यू जस्ट हैव टू शो इट, तुम्हें देना नहीं है, वो सिर्फ दिखाना है और जिस नंबर से रजिस्टर किया था वो नंबर बताना है एंड वो वैक्सीनेशन लगाएंगे एंड देन यू आर सपोज टू सिट इन अनदर रूम, जो एडजेसेंट रूम है वहाँ पे आपको जाके बैठना है आधा घंटा एंड दे विल ऑब्जर्व। मतलब यू जस्ट हैव टू वेट, कि वेट टू सी कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, अगर कुछ इमीडिएट रिएक्शन हो जाता है तो दे वॉन्ट टू बी अराउंड टू हेल्प। साथ में वो आपको एक नंबर दे देंगे कि जहाँ पर आप कॉल कर सकते हो इफ़ by any chance you're having any severe reaction, but अभी तक तो मेरे को इतना कुछ फील हो नहीं रहा है जब से मैं वापस आई हूँ। आई जस्ट फील टायर्ड, बट दैट वुड ऑल्सो बी फ्रॉम द सन, क्योंकि धूप भी थी बाहर। यू नॉट सपोज टू बी खाली पेट, कुछ ज़रूर खा के जाना आप एंड पानी की बॉटल लेके ज़रूर जाना, ताकि अगर वेट करना पड़े, पानी होना चाहिए अपना खुद का आपके पास। तो और क्या था, और अगर मुझे कुछ याद आता है तो आई विल कीप लेटिंग यू नो थ्रू आउट द डे। सो अभी हालांकि मैं बहुत मतलब आते ही सबसे पहले तो मी एंड माय हस्बैंड बोथ टुक अ शॉवर एंड कपड़े चेंज करके, कपड़े जो पहन के गए थे वो इमीडिएटली हमने वॉशिंग मशीन में डाल दी लॉन्ड्री में एंड वी जस्ट चेंज इनटू नॉर्मल क्लोथ, वी टुक अ शॉवर एंड अब जाके हम काम करने बैठेंगे एंड देन आई विल कीप लेटिंग यू नो अगर मेरे को कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता जाता है तो। अदरवाइज अभी तक तो कुछ नहीं, यस बस थोड़ी सी सोरनेस है जहाँ पे इंजेक्शन लगा है, वहाँ पे पेन है थोड़ी सी एंड दैट इज़ नॉर्मल, वो होता ही है। सो अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय वर्क एंड देन आई एम गोइंग टू सी यू इन अ लिटिल बिट, अगर कुछ होता है तो एंड आई लेट यू नो। हे गाइस, सो इट इज़ राइट नाउ द नेक्स्ट डे एंड आई जस्ट वोक अप अबाउट एन आवर अगो। अभी हो रहा है 11 o'clock एंड मैं उठी थी 10 बजे। यस, बहुत लेट है आई नो, बट आई वॉन्टेड टू लेट यू नो अ लिटिल अपडेट कि हम लोग कल हमने रात को 8 बजे तक अपना काम किया ऑफिस का एंड देन वी प्रॉम्प्टली फेल स्लीप आफ्टर डिनर बाय 9 एंड बाय 9:30 हम सो चुके थे पूरे, बिल्कुल होश नहीं था
एंड यस दिस कुड हैव बीन अ साइड इफेक्ट बिकॉज चाहे कितना भी काम आया हो हम एंड एटलीस्ट मैं कभी भी इतनी जल्दी नहीं सो सकती. मैं 11-12 बजे से पहले नहीं सोती एंड बहुत बार तो लाइक 2 या 3 भी बज जाते हैं मुझे सोते हुए. सो इट वॉज ऑब्वियसली अ साइड इफेक्ट डेफिनेटली एंड नथिंग एल्स. कोई फीवर नहीं हुआ, कुछ बॉडी एक नहीं हुआ. इट वॉज जस्ट कि पूरा थ्रू आउट द डे वी फेल्ट लाइक वी हैव टेकन अ सेडेटिव, जैसे कोई नींद की गोली ले रखी हो. इतनी नींद आ रही थी, काम लाइक जॉम्बीज की तरह काम कर रहे थे हम. सो एंड दिस वॉज अ साइड इफेक्ट दैट वी बोथ एक्सपीरियंस्ड, मी एंड माई हस्बैंड अनिल. सो ये हाँ ज़रूर है, बट कोई फीवर नहीं हुआ, कोई बॉडी एक नहीं हुआ, एक्सेप्ट दैट इंजेक्शन साइड पेन जो कि अभी भी है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल टू हैव द इंजेक्शन साइड पेन, लोकल पेन. एंड वो भी मतलब ऐसे नहीं है कि आर्म से मैं काम नहीं कर पा रही कुछ, बस ये है कि मैं आर्म को ऐसे पीछे नहीं ले जा पा रही या पीछे नहीं ले जा पा रही और ऐसे पीछे बिहाइंड द हेड मोशन नहीं हो रहा मुझसे. बाकी इट इज़ क्वाइट फंक्शनल हो रहा है सब काम, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है. बट येस आई थॉट टू लेट यू गाइज नो कि ये होता है. सो इफ़ यू गाइज हैव एनी वर्क, ये ट्राई करो कि तुम बिल्कुल फ्री हो उस दिन जब तुम्हें वैक्सीनेशन लगनी हो. ऑल्सो जब हम लोग कल वापस आए थे दैन वी वर हियरिंग अलॉट अबाउट कि लोगों को क्लॉटिंग भी हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग एंड आफ्टर टेकिंग द वैक्सीनेशन. सो हमने आते ही एक एक डिस्प्रिन ले ली थी जो हेडेक की मेडिसिन होती है, जस्ट फॉर लिटिल ब्लड थिनिंग, क्लॉटिंग ना हो जाए, जस्ट एज अ प्रिकॉशन. सो या सो आई थॉट इट्स वर्थ लेटिंग यू नो दैट्स वॉट वी डिड. एंड आज भी मुझे काम पे लगना है, सो आई जस्ट गेट ऑन विथ माई डे एंड आई विल चेक इन मे बी इन द इवनिंग, या कुछ होता है तो आई विल लेट यू नो. हाई गाइज, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई जस्ट मैं एक अपडेट देना चाह रही थी आप लोगों को कि हाउ आई एम फीलिंग, मुझे कैसा फील हो रहा है. कोई तबीयत तो ख़राब नहीं हुई, फीवर या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ. आई एम हैप्पी टू टेल यू ना मुझे कोई फीवर आया, ना मुझे कोई बॉडी एक हुई. एंड जो जो ड्राउजी फीलिंग हो रही थी, मुझे नींद नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, वो कल ही हुई थी. उसके बाद से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई एंड आई एम परफेक्टली फाइन. सो आई थॉट कि मैं आपको ना कुछ कुछ टिप्स दे दूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए जब आप वैक्सीनेशन के लिए अपना स्लॉट बुक कर रहे हो, और जिस दिन पे आपकी वैक्सीनेशन है उस दिन आप क्या क्या कर सकते हो अपना डे को कन्वीनियंट बनाने के लिए, एक्सपीरियंस को. सो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं एंड लिस्ट बनाई है. सबसे पहली बात तो है पानी की बॉटल आप ज़रूर अपने साथ कैरी करना, क्योंकि यू नेवर नो आपको जहाँ पे स्लॉट आपको मिला हो, जिस सेंटर पे हो सकता है वहाँ पे लाइंस भी लगी हुई हों एंड वहाँ पे भीड़ हो, तो आप पानी ज़रूर लेके जाना क्योंकि गर्मी का टाइम है. एंड बेटर रहेगा कि अगर आप अपना खुद का पानी साथ लेके जाओ और बाहर से आपको ना लेना पड़े. सेकेंड है कि आपको खाली पेट नहीं जाना, आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह प्रॉपर मील लेके ही जाना. एंड और भी अच्छा रहेगा अगर आप पिछले रात को, लाइक अगर आपकी आज वैक्सीनेशन है मॉर्निंग में, तो आप कल रात को अच्छा डिनर न्यूट्रिशियस लेके आप सो. ऐसा नहीं कि आप जंक फूड खा रहे हो और ये सब. बेटर रहेगा कि आप घर का अच्छा होलसम फूड खा के ही जाओ, ठीक है. सेकेंड है डबल मास्क, आप ये दिस गोज़ विदाउट सेइंग, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. आजकल जो न्यूज़ में आ रहा है कि आपको मास्क तो लगाना ही लगाना है, बेटर रहेगा आप डबल मास्क लगा के जाओ. और आप ज़रूर अपना आई गियर लेके जाओ फॉर आई प्रोटेक्शन गियर, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि ये एयरबॉर्न हो गया है, अपना प्रिकॉशन लेना ही बेटर है. तो आप फेस शील्ड अगर आपके पास है तो आप फेस शील्ड यूज़ करो, नहीं है तो ले लो, इतनी महंगी नहीं आती. मैंने ली थी, 50 रुपीज़ की है. अगर वो भी नहीं है तो आप सनग्लासेस या चश्मा कुछ भी आप लगा के अपना सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलो. इस तरीके के प्रोटेक्टिव ग्लासेस आते हैं तो आप इस टाइप की ले सकते हो. ये मैंने नहीं पहनी थी, मेरे ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है, मेरे हस्बैंड ये यूज़ किया था. एंड मैंने डबल मास्क पहना था, मेरा चश्मा तो है ही, प्लस मैंने ये फेस शील्ड भी यूज़ की थी. फेस शील्ड आपको इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगी, फेस पे पहन लेना होता है. और ये पूरा आपको एक थोड़े एक्सटेंड तक आपको ये काफ़ी प्रोटेक्शन दे देता है, तो यू शुड ऑब्वियसली वेयर दिस. नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको सैनिटाइज़र कैरी करना ही है. मेरे सेंटर पे ऐसा हुआ था कि हमको
आफ्टर वैक्सीनेशन बिठाया गया था आधे घंटे के लिए इन द साथ वाले रूम में, तो हाफ एन आवर के लिए उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कहीं किसी को कोई इमीडिएट सीवियर रिएक्शन तो नहीं हो रहा। तो उस केस में मैं प्रॉपर स्प्रे बॉटल कैरी करके गई थी सैनिटाइज़र की, तो जो सीट्स वगैरह हैं टेबल वगैरह जो भी लगे हुए थे वहाँ पे सैनिटाइज करके ही मैं बैठी थी। तो या उस केस में आप एक कैरी कर सकते हो ताकि आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके। जब मैं वहाँ गई थी तो आई मेड श्योर कि मैंने मतलब बिल्कुल एक्सपोजिंग कपड़े नहीं पहने थे, मतलब मैं प्रॉपर ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहन के गई थी और उसके ऊपर भी मैंने डेनिम जैकेट पहनी थी एंड वहाँ ताकि मेरा कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोज ना हो, मतलब ऊपर से नीचे मैं पूरी ढक के गई हुई थी। सो और वापस आके आई मेड श्योर कि मैं आते ही मैंने नहाने घुस गई एंड जो कपड़े पहने थे उसको इमीडिएटली मैंने लॉन्ड्री में डाल दिया। तो आप एक चीज़ वो कर सकते हो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक मतलब ये जो मेडिसिंस चाहिए होती है जिसमें कहते हैं कि फीवर आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है, ये जितने भी साइड इफेक्ट्स ये लोग बता रहे हैं ये है तो कॉमन, बट आपको इनके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। और प्रिपेयर्ड आप ऐसे रह सकते हो कि आप अपने लिए जो भी मेडिसिंस नेसेसरी हैं पैरासीटामोल फीवर वगैरह के लिए और जो क्लॉटिंग ये लोग कह रहे हैं कई कई जगह सुनने को आ रहा है, तो उसके लिए आप ब्लड थिनर मतलब एस्प्रिन या कोई ना कोई डिस्प्रिन इकोस्प्रिन इस टाइप की टैबलेट्स और पैरासीटामोल में आ जाती है डोलो क्रोसिन, ये सब आप लेके पहले से रख सकते हो। ऑब्वियसली आपके घर पे अगर कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है रियल टाइम में कि जब आपको बुखार आया तो मेडिसिन ले आए तो अलग बात है, बट अगर आप मतलब यू आर इन चार्ज तो आपको ये सब पहले से लेके रख लेना है, ठीक है, ताकि आपको अगर रात को फीवर आता है तो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन, आप किसी और को नहीं बोलने जा रहे कि आप मेरे लिए ये मेडिसिन ले आओ, या आप पहले से प्रिपेयर रहो तो अच्छा है, ठीक है। और लास्टली है कि आप जैसे कि मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा स्लीपीनेस ड्राउजी साइड इफ़ेक्ट हमको हुआ था, हम लोग बहुत सेडेटिव इफेक्ट फील कर रहे थे, नींद बहुत तेज़ आ रही थी। तो आप हो सके तो अपना दिन फ्री रखो, उस दिन आप अपना कोई काम ना हो, आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ना हो ताकि वो आपके काम में हिंड्रेंस ना बने। सो आप आके जितना ज़्यादा रेस्ट ले सको उतना बेटर है। बाकी इतनी भी इशू नहीं हुई थी, मतलब थकान और स्लीप के अलावा और तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट यस फीवर आ सकता है तो आपको ट्राई करना है कि आप अपना दिन को फ्री ही रखो। तो ये थे कुछ ना कुछ पॉइंट्स एंड ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। मैंने आई नो कि लंबा हो गया व्लॉग, बट मैं चाह रही थी कि मैं सब कुछ कवर करूँ, पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊँ कैसा रहा मेरा, एंड आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया और कुछ मेरे को तो नहीं लगता कि और कुछ बचा है। यस, और स्लॉट्स आपको इतनी ईजीली अभी नहीं मिल रहे हैं आई नो, बट वो मुझे भी ईजीली नहीं मिले थे स्लॉट्स के लिए, मुझे भी दो तीन रातों को पूरा पूरा रात जागते रहना पड़ा था तब जाके कहीं स्लॉट मिला था। बट अब मुझे सुनने में आ रहा है कि टेलीग्राम पे काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं, आई डोंट नो वो पेड हैं या फ्री हैं, बट दे कीप मतलब वो नोटिफिकेशन आपको भेज देते हैं जब भी कोई स्लॉट खाली होता है ऐसा कुछ, आप वो चेक कर सकते हो, उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन यस, आपको स्लॉट के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मिल जाता है जौन सा मिलता है आपको, कोवैक्सीन मिलता है या कोविशील्ड आपको जौन सा मिलता है, इस वक्त सब यही कह रहे हैं बेस्ट वैक्सीन वही है जो आपको मिल रही है, तो जौन सी मिले आप ले लो। मैंने कोवैक्सीन ली थी तो अब मेरे को सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन की ही लगेगी। कोवैक्सीन में गैप 4 वीक्स का देना पड़ता है, कोविशील्ड में ज़्यादा गैप देना पड़ता है, मैंने सुना था अब शायद 3 मंथ्स का गैप कर दिया उन्होंने, बट आई एम नॉट श्योर, ये आपको चेक करना पड़ेगा बिकॉज कोविशील्ड का मुझे इतना आइडिया नहीं है। सो कोवैक्सीन लगना होता है 4 to 6 वीक्स के गैप में, 4 से 6 हफ्ते के बीच में आपको लगवा लेना है। सो अब मेरा जो नेक्स्ट सेकेंड डोज है वो है जून में है, अभी टाइम है उसमें, तो उसका अगर कुछ नया एक्सपीरियंस रहता है तो मैं वो भी व्लॉग करने की ट्राई करूँगी। तब तक मैं होप कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा एंड आपकी कुछ हेल्प हो सकेगी इसमें पूरा प्रोसेस एक्सपीरियंस में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक थम्स अप छोड़ देना, एंड अगर आपकी ऑब्वियसली कोई क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। एंड मैं आपसे अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और बाहर बिल्कुल भी मत जाओ, बिल्कुल टाइम अच्छा नहीं है ये केयरलेसनेस करने का, एंड आप सेफ़ रहो एंड आई होप आपके घर में भी सब लोग सेफ रहें, आप भी सेफ रहो एंड ये टाइम निकल जाएगा जल्दी एज लॉन्ग एज हम सब लोग प्रिकॉशंस लेते रहें।
एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड अंटिल देन टेक केयर एंड बाय।